हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश। आप देख रहे हैं एशियन टेक्नोलॉजी। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि यूज़र से दो नंबर इनपुट करवाया था, है ना। उस नंबर को पहले तो जब यूज़र इनपुट करता है तो स्ट्रीम में करता है, क्योंकि ये दोनों किसके अंदर है, देखिए ये डबल कोड के अंदर पड़ जाता है ना। तो जो भी यूज़र इनपुट करेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यूज़र अगर 5 इनपुट करेगा तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा। या 2 कोई भी नंबर अगर यूजर इनपुट करना चाहेगा तो इसके जगह पे इनपुट करेगा, यानी कि वो स्ट्रिंग के अंदर इनपुट करेगा। तो अगर हमें नंबर चाहिए तो हम नंबर हमें तो इंटीजर में चाहिए होता है, तो उसको हमने क्या किया था यहाँ पे डबल ये कोड ब्रैकेट लगा के इधर से जितना इसके अंदर आ रहा है सबको मैंने क्या कर दिया था, इंटीजर में चेंज कर दिया था। तो आज हमने क्या करना है कि यूजर से इनपुट लेना है उसका नाम, यानी कि यूजर से इनपुट लेना है स्ट्रिंग जो इसके अंदर ही रहेगा, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और यूजर से हम इनपुट लेंगे उसका नेम भी इनपुट लेंगे और उसके साथ साथ उसका एज भी इनपुट लेंगे, और दोनों को हम प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसी में लिख लेता हूँ, मैं नया क्या बोलते हैं नया फाइल नहीं बनाता। अगर आपको बनाना तो आप बना लो वहाँ पे। चल मैं बना लेता हूँ नया फाइल, छोटा कर देता हूँ, ये नाम बहुत बड़ा है, डोंट सेव कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे न्यू फाइल बनाता हूँ एक। तो फाइल बनाने के लिए क्या लिखना होता है, टच लिखना होता है, उसके बाद में हमें सिंपली उस फाइल का नाम लिखना होता है। तो यूजर इनपुट जस्ट लिखता हूँ UI.UI, बन गया होगा फाइल, यहाँ पे देखिए आ गया। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ बहुत ही इजीली तरीके से। कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इसे बहुत आसानी तरीके से क्या करते हैं कि पहले यूजर से उसका नाम इनपुट लेते हैं, कमेंट कर दूँ पहले। अब यूजर से पहले उसका मैं नाम इनपुट करवाता हूँ। तो इनपुट करवाने के लिए नाम को यहाँ पर लिख लिया और सेम वही तरीके से प्लीज़ इंटर योर नेम, उसका नाम मैंने इनपुट करवा लिया यहाँ पे। अब यूजर जो भी इनपुट करेगा वो इसके अंदर आएगा। तो इसको हमें इंटीजर में चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है, यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नाम तो हमेशा स्ट्रिंग ही होता है, ABCD ही होता है। तो ABCD क्या होता है कि हमेशा डबल कोट के अंदर होता है, यानी कि इसके अंदर जो भी वो प्रिंट यूजर इनपुट करेगा उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा एशियन टेक्नोलॉजी, तो इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि डबल कोट के अंदर आ जाएगा वो। डबल कोट के अंदर आने का मतलब क्या है कि वो स्ट्रिंग में है। तो हमें नाम जो होता है वो स्ट्रिंग में ही चाहिए होता है, उसे इंटीजर में नहीं चाहिए होता है। तो हम जो भी वो यूजर प्रिंट करना चाहेगा वो यहाँ पर इंटर कर देगा। तो मैंने ले लिया नेम, लेकिन मैं नेम नहीं लेता हूँ, मैं लेता हूँ उसका फर्स्ट नेम, समझ आ गई ना। अब इसी तरीके से मैं उसका सेकंड भी नेम लेता हूँ या लास्ट नेम ले लेता हूँ, सेम इसी तरीके से। अब इसको प्लीज़ इंटर योर लास्ट नेम, प्लीज़ इंटर योर फर्स्ट नेम, यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखिए अब इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, इसको भी चेंज नहीं करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये भी नेम है, जो सेकंड नेम है या लास्ट नेम है वो भी एक नेम है। तो नाम जो होता है ना वो हमेशा स्ट्रिंग के अंदर होता है, तो इसे चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक और लेता हूँ मैं, उसका बर्थडे लेता हूँ, जो यूजर चाहेगा ना उसका मैं बर्थडे यहाँ पर ले लेता हूँ। तो चलिए मैं उसका बर्थडे भी प्रिंट करवा लेता हूँ, मतलब इसे मांग लेता हूँ, प्लीज़ इंटर योर बर्थ डे या बर्थ डेट जो आप चाहें, बर्थ डेट ले लेते हैं, ये बर्थडे ही ठीक है, चलो तो उसका बर्थडे ले लेते हैं। तो अब देखिए यूजर का जो बर्थडे होगा ना वो यहाँ पे पुट यहाँ पे क्या कर देगा, पुट कर देगा। तो देखिए अब इसके बाद में, अब देखिए जो बर्थडे होता है ना वो हमेशा क्या होता है, इंटर उसमें होता है, इंटीजर में होता है। तो ये तो जब यूजर इनपुट करेगा तो डबल कोट के अंदर आ जाएगा। जब डबल कोट के अंदर आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये अभी तक स्ट्रिंग में है, लेकिन जो नंबर होता है जो बर्थडे वो नंबर है कुछ, तो ऐसे नंबर आएगा ना। इसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मैंने एग्जांपल 1990 दिया,
अब जो 90 90 है ये तो नंबर में आएगा, कभी वो थोड़ी ना करेगा कि ए बी सी डी यहाँ पे उसे इंटर करना है। बर्थ डेट जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है, इंटीजर में होता है। तो अभी तक यहाँ फिलहाल जो उसके अंदर है, डबल कोट के अंदर है, इसका मतलब अभी तक वो किस में है, स्ट्रिंग में है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा इंटीजर में, है ना। तो इंटीजर में चेंज करने के लिए यहाँ क्या करना होता है, कोड लगा देना होता है ना, ब्रैकेट लगा देना होता है। तो चलो लगा देता हूँ, सिंपली ब्रैकेट लगा के और इसके आगे मुझे क्या लिखना होता है, INT, यानी कि यूजर ने जो भी यहाँ पे इनपुट किया वो नंबर होगा कोई, तो नंबर होगा लेकिन वो अभी तक क्या किस में होगा, स्ट्रिंग में होगा। तो जब हमने कोड लगा दिए, जब ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ब्रैकेट के अंदर जितना कुछ भी है इन सब को चेंज कर दो, किस में कर दो, इंटीजर में कर दो। तो अब इंटीजर हो गया, तो इसका मतलब जो भी अब यहाँ पे असाइन होगा, जो भी वो यूजर इनपुट करेगा उसका बर्थडे, वो कहाँ पे आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। उस किस में आएगा, ऊपर देखिए, हटाता हूँ, देखिए ऊपर यहाँ एंट्री आ गया ना, लेकिन इसके ऊपर ले जाइए एक बार, कुछ नहीं आ रहा है देखिए, क्योंकि ये स्ट्रिंग है जो यहाँ पे इनपुट कर रहा ना वही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी इंटीजर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको नंबर में चेंज करवाना है तो आपको इसे ब्रैकेट लगा के इसको दोनों तरफ से, है ना, आप इसको बीच में कर देना होता है। तो ये आपको पता भी होगा, लास्ट क्लास में हमने किया भी था। तो अब मैं कह लेता हूँ यहाँ पे कि उसका एज जो होगा ना यूजर का, वो तो क्या होगा कि 2080 जो है अभी जो चल रहा है ना, इसमें से वो घटाना पड़ेगा इसका बात, जो यहाँ पे जो इनपुट करेगा 90 90 समथिंग कुछ करेगा। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए फॉर एग्जांपल यूजर ने अगर 90 90 किया, तो अभी फ़िलहाल में क्या है, 2018 है ना, तो माइनस हो जाएगा 90 90, तो आंसर क्या आ जाएगा, 28। यानी कि इस तरीके से उसका यूजर ने अगर 90 90 किया तो उसका एज आना चाहिए इतना, है ना। तो चलिए हम इन सब को अब फिर से प्रिंट करवा लेते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो देखते हैं उसके लिए हमें क्या करना होता है, प्रिंट लिखना होता है ना। तो आप यहाँ पे किस किस को प्रिंट करवाना चाहते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इसको, है ना, एज को, इसको तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो अभी यहाँ पे आ गया। तो फर्स्ट नेम भी करवाएंगे, सेकंड नेम भी करवाएंगे और इसको भी यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे सबको बार एक एक बार। तो उसके लिए क्या करना होता है कि आपको दो तरीके से करवाना आप करवा सकते हैं। मैं पहले तरीका लिखता हूँ, उसके बाद फिर दूसरे तरीके भी लिखूँगा। इस तरीके से लिखिए, योर फुल नेम इज, अब उसका फुल नेम जो होगा ना वो यहाँ पे आना चाहिए। तो फुल नेम आने के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट नेम प्लस सेकेंड नेम होना चाहिए ना। ये फर्स्ट नेम जो भी होगा वो भी यहाँ मुझे चाहिए, ये अंडर स्कोर नेम प्लस जो सेकेंड नेम होगा वो भी मुझे चाहिए ना, यानी कि लास्ट नेम अंडर स्कोर नेम। तो उसको फर्स्ट नेम भी यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि जो यहाँ से इनपुट करेगा, सेकेंड नेम भी वहाँ से मिल जाएगा जो यहाँ से इनपुट करेगा। उसके बाद में फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम तो हो गया, अब फिर मुझे एज का भी बारे में लिखना है। तो प्लस फिर करता हूँ यू आर, अब फिर यहाँ से ऐड करता हूँ, फिर दोबारा से मुझे क्या एज को भी प्रिंट करवाना है। तो भाई इसको भी यहाँ पे लिखता हूँ, एज प्लस एयर ओल्ड। आपको समझ आया है ये सारा कुछ क्या हो रहा है कि यहाँ पे योर फुल नेम इज, अब फुल नेम जो है कि जो फर्स्ट नेम होगा यहाँ पे यहाँ से आ रहा है और जो सेकंड नेम है वो यहाँ से आ रहा है। तो दोनों को ऐड कर दो और यहाँ पे शो करवा दो, जो भी इंटर यूजर करना चाहता है उसके अंदर प्लस कर देगा। फिर उसमें योर एज, यू आर, एज एज दो यहाँ पे, है ना, उसको ऐड कर दो यहाँ पे, यानी कि यू आर इथ ईयर ओल्ड, मतलब 20 ईयर या कितना होना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो है ना जो कोट के अंदर है ना, डबल कोट के अंदर है, तो डबल कोट के अंदर जो भी होता है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, यानी कि अल्फ़ाबेट होता है, ए टू जेड होता है। तो ए बी सी डी में कभी भी आप 1 2 नहीं जोड़ सकते। इसके लिए क्या करना होता है आपको, ये जो एज है ना फिर दोबारा से उसको इस तरीके से ना दोबारा से फिर इसको इंटीजर में करवाना होता है। तो देखिए एक बार स्ट्रिंग से मैंने चेंज करवाया इंटीजर में, ऐड करवाया, अभी ये इंटीजर है, अब इस इंटीजर को फिर वापस करवाना पड़ेगा स्ट्रिंग में ताकि इस तरीके का बन जाए। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से क्या लगाया था,
ब्रैकेट लगाया था उसी तरीके से अब यहाँ पे भी दोनों तरफ से बार लगाना होगा, मतलब ब्रैकेट लगाना होगा। उससे आगे अगर आपको आईएनटी चाहिए होता तो आप आईएनटी लिखते हो, लेकिन मुझे अभी आईएनटी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्ट्रिंग जो कि डबल कोट की तरह काम करे, तो लिखना होता है एसटीआर। क्योंकि अगर आप एसटीआर ये नहीं लिखते हो तो क्या होता है कि ये प्रिंट नहीं करवाएगा, आपको एरर दे देगा। अभी अभी सारा इक्वल हो गया, देखिए ये भी स्ट्रिंग हो गया, इस स्ट्रिंग में ये भी स्ट्रिंग ऐड है क्योंकि देखिए ऊपर से जो आ रहा ना स्ट्रिंग में आ रहा है। उसके बाद में यू आर ये भी स्ट्रिंग है, अभी तो ये जो ए था ना इंटीजर था अंदर, लेकिन जब बाहर निकला तो इसने क्या कर दिया, इसे स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, यानी कि अभी तो ये भी स्ट्रिंग बन गया, यानी कि ये भी स्ट्रिंग, यानी कि इसके अंदर जितना कुछ है सारा क्या हो गया, अभी स्ट्रिंग बन गया है। तो एक बार इसे प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट करवाने के लिए आपको पाइथन लिखना होता है और इसका नाम लिखना होता है यू आई डॉट फाइल। देखिए क्या बोल रहा कि प्लीज़ इंटर योर फर्स्ट नेम, तो जो यहाँ पे मैंने लिखा था वही मुझसे पूछ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ जो आपको चाहिए, मैं लिखता हूँ एशियन। अब बोल रहा लास्ट नेम, मैं लिखता हूँ टेक्नोलॉजी। अब बोल रहा है आपका बर्थडे लिख दीजिए क्या है, तो मैंने 1990 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, योर फुल नेम इज़ एशियन टेक्नोलॉजी आ रहा ना। अब यू आर 28 ईयर ओल्ड, अब यानी 28 देख लीजिए मुझे सेम वही आ रहा है। यू आर पे यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दूँगा ना तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस बढ़ जाएगा, तो मज़ा आ जाए देखने में भी। देखते हैं फिर दोबारा से, तो सेम वही करता हूँ मैं, पहले एक काम करता हूँ ना, नहीं नहीं पहले एक बार इसे कर लेता हूँ, उसके बाद में करते हैं टेक्नोलॉजी। अब एज 1990 कर देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया है यहाँ पे, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है यहाँ पे, कि योर फुल नेम ये बन गया एंड यहाँ यू आर 28 ईयर ओल्ड। तो ये उतना बेस्ट तरीका नहीं है कि आप इस तरीके से यहाँ पे दोनों यहाँ पे ऐड करो, अगर आपको करना ही है तो आप इधर ही ऐड कर लो, यहाँ यहीं पर ऐड कर लो, जैसे कि मैं यहाँ पर यहीं पर ले लेता हूँ इसका फुल नेम, फुल अंडर स्कोर नेम ले लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे क्या करता हूँ, ये दोनों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ना दोनों को ऐड कर लेता हूँ, एफ अंडर स्कोर नेम प्लस एल अंडर स्कोर नेम। तो अभी मैं क्या करूँगा कि जो फर्स्ट नेम है और जो लास्ट नेम है दोनों ऐड हो गया यहाँ पे, और दोनों ऐड हो जाने के बाद में मैंने उसे क्या किया, फुल नेम पे असाइन करवा दिया। तो अब फुल नेम को मुझे प्रिंट करवाना है यहाँ पे, तो मैं इस सब को डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए फुल अंडर स्कोर नेम आ गया, तो फिर वही सेम तरीके से है और इसे प्रिंट करेगा। तो मैं पहले यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ और फिर से मैं उसको प्रिंट करवाता हूँ यू आई डॉट फाइव। तो लिखता हूँ मैं फर्स्ट एशियन, सेकंड नेम टेक्नोलॉजी और एज 1990। तो देखिए फिर वही प्रिंट कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा बेस्ट तरीके से आ रहा है। देखिए योर फुल नेम, तो क्या हो रहा है कि एशियन टेक्नोलॉजी आ गया फुल नेम और यू आर 28 ईयर ओल्ड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन क्या है कि ये भी एक इसमें एक तरीका अच्छा नहीं है, जो इस तरीके से हम कोडिंग लिखते हैं ना, इसको हमेशा प्लस 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 करते रहो, ये बहुत बहुत झमेला वाला बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए पाइथन जो 3 है ना उसमें थोड़ा डिफरेंट कर दिया है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, लेकिन यह वीडियो थोड़ा सा रिव्यू तरीके से हो रहा है कि इसमें मैं थोड़ा स्लो और अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ आपको, जो हमने इससे पहले भी हम कर चुके हैं। तो इसको क्या करना होता है कि जो भी जितना प्लस होता है ना सबको हमें क्या करना होता है, हटा देना होता है, यहाँ पे सबको हटा दो आप, प्लस को या ये जो ब्रैकेट है सबको हटा दिया। उसके बाद में क्या करना होता है, आपको ये एक वाला कोड लगा देना होता है दोनों तरफ से, जहाँ जहाँ आपको मतलब जहाँ जहाँ आप वेरिएबल जो ला रहे हैं ना यहाँ से उठा के, चाहे ये हो उन पे क्या करना होता है आपको इस तरीके से लगा देना होता है, समझ आ गया आपको। उसके बाद में क्या करना होता है हमें कि इससे जो स्टार्टिंग है ना वो जो डबल कोड है उससे पहले मुझे एफ लिख देना होता है। अब देखिए इसका कलर दोनों सेम वाइट हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि वाइट हमेशा वेरिएबल होता है। तो देख लीजिए अब थोड़ा अगर, लेकिन मैं इसे वाइट जो एफ है ना मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, देखिए इस तरीके से चेंज हो रहा है ना।
तो ये बेस्ट तरीका है पाइथन में। तो अभी अभी आप समझ भी सकते हैं, सिर्फ आपको एक ही बार कोड लगाना, एक ही बार डबल कोड लगाना है, उसके अंदर आपको सिर्फ कंटिन्यू लिखते जाना है। देखिए क्या हो रहा है, योर फुल नेम इज, फुल नेम जो यहाँ से आएगा, यहाँ से दोनों से है ना, यू आर एज जो यहाँ से आ रहा है, तो अब आप प्रिंट करवाएंगे तो आपको सेम आंसर वही मिलेगा। करवा के देखते हैं एक बार, यू आई डॉट फाइव, फर्स्ट नेम एशिया, सेकंड नेम टेक्नोलॉजी और एज 1980। अब देखिए वही सेम है, लेकिन ये थोड़ा दामी लग रहा है आपको, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा क्लीन लग रहा कोड अभी फिलहाल, जो इससे पहले था ना उसमें प्लस करो या फिर डबल कोड प्लस करो डबल कोड करो तो अच्छा नहीं लगता, वो कोड जो होता ना कोड क्लीन नहीं होता है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है हमें, कुछ भी करवाना होता है आपको ना तो वहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ये था हमारा आइडिया कि किस तरीके से हम इसे को यूज़र से इनपुट करवा सकते हैं और उसे किस तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं। और एक था एक बात और हमें पढ़ना था कि हम जो है ना इसे दो बार आप ऐसे करवा रहे हो अपना, ये अच्छी बात नहीं है कि यार एक बार एक में तो आप उसका फर्स्ट नेम लो, फिर दोबारा एक लाइन फिर से लिखो उसके सेकंड नेम के लिए, फिर उसको ये ऐड करवा तो सही है, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दो दो बार ले रहे हो अपना, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको कुछ ऐसा कर दो कि ये एक ही लाइन में हो जाए सारा काम। तो इसके लिए बहुत आसान है कि हम यहाँ पे सिंपली सेपरेट कामा से करके हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अगर यहाँ पे ये कोड को अगर फिर से लिखूँ यहाँ पे तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ और उस पर आपको कंटिन्यू करवाता हूँ। और ये जो वीडियो है ना इसको मैंने क्यों बनाया कि ये थोड़ा आपको रिव्यू हो जाएगा, क्योंकि ये जो इनपुट फ्रॉम यूज़र है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, और इसके जितना इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं होता, क्योंकि ये हमें बहुत ज़रूरत होता है, हमें चाहिए होता है ये। तो देखिए देखिए एक बार और देखिए, स्पेस करते मत, ये भी काम नहीं कर रहा है, उसके साथ ही होना चाहिए। तो ये बहुत ही यूजेबल है आपके लिए और इसलिए मैंने दोबारा इसको करवाया, दोबारा इसको किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीके करेंगे कि ये जो होगा ना यहाँ पे हम दोबारा नहीं लिखेंगे, ऐसे एक लाइन लिखेंगे, और जो एज है ना इसको भी हम दोबारा नहीं लिखेंगे, एक ही लाइन में लिख देंगे सारा कुछ, इन सबको हटा देंगे और सारा कुछ एक ही लाइन में लिख देंगे, उसके बाद सबको यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर करके उसको कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर पसंद नहीं आया है तो वहाँ साइड में एक डिसलाइक का बटन भी होता है वहाँ पे दबा दीजिए, डिसलाइक भी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।